नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग जुडिशरी बाय टैच बुक। यहां पर हम आप सभी लोगों के लिए जागो जनता जागो का एपिसोड नंबर 1 लेकर आए। आज हम बात करेंगे फॉल्स एफआईआर के बारे में, यानी कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर करा दी जाए। अब हम सभी लोगों को पता है कि आपसी रंजिश निभाने के लिए, आपसी दुश्मनी निभाने के लिए, एक दूसरे से बदला लेने के लिए अक्सर लोग कानून का सहारा लेते हैं। अक्सर यह सुना जाता था कि अगर एक व्यक्ति निर्दोष है, उसकी गलती नहीं है, तो कानून उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है। पर आजकल देखने को मिलता है कि दूसरे को परेशान करने के लिए भी कानून का सहारा लिया जाता है। और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं एडवोकेट दीपक अंग्रेश आप सभी लोगों के लिए टैच बुक के माध्यम से जागो जनता जागो की सीरीज लेकर आया हूं, जहां पर आप लोगों की परेशानी होगी और मैं अपने अनुभव से उसका समाधान यहां पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नाउ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं फॉल्स एफआईआर, यानी कि झूठी एफआईआर। अब कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति बदला लेने के लिए दूसरे व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर करा देता है। एक आम नागरिक यह बात जानता ही नहीं कि ऐसी झूठी एफआईआर होने पर कैसे अपने आप का उस चीज से बचाव किया जाए, क्योंकि एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति क्या गलती करता है, वो सीधा एफआईआर होने के बाद केस लड़ना शुरू कर देता है। उसको यह जानकारी नहीं है कि झूठी एफआईआर वाले कंडीशन में उसको केस लड़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके पास 3 ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर वो बिना केस लड़े अपने आप को उस एफआईआर से साइड करा सकते। अब वो कौन कौन सी सिचुएशन है, वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम वो कंडीशन ले लेते हैं जहां पर आप लोगों के ऊपर, मान लेते हैं, एक झूठी एफआईआर हो, एक फॉल्स रिपोर्ट फाइल हो गई। ना, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर हुई है, अगर वो सीरियस चार्जेस है, संगीन अपराध है, तो पुलिस आपको सीधा अरेस्ट करने के लिए दौड़ेगी। तो आपको पता लग जाएगा कि अगर पुलिस आपके घर के बाहर आके खड़ी है तो वो आपको अरेस्ट करने के लिए ही आकर खड़ी हो सकती है, 90% चांस होगा। और अगर आपको कॉल आया है कि आपके ऊपर भाई एफआईआर हुई है, आप थाने में आ जाओ, अपने बयान दे दो, तो ऐसी कंडीशन में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब दोनों कंडीशन, चाहे आपको कॉल आया है या फिर पुलिस आपके गेट पर आकर खड़ी हो गई है, अगर आप अपनी जगह ठीक है तो आपको कभी भी पुलिस के सामने नहीं जाना। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को पुलिस की पकड़ से दूर रखना होगा। कारण अगर एक बार पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया तो सामने वाले व्यक्ति के जो एफआईआर करने के पीछे का लॉजिक था कि आपको परेशान किया जाए, अरेस्ट कराया जाए, वो उसका वहां पर पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने आप को पुलिस की पहुंच से दूर रखना है। दूसरा काम, आपको सबसे पहले एक एडवोकेट का सहारा लेना होगा। एडवोकेट को आप सारी सिचुएशन बताएं कि भाई इस तरीके से कॉल आया है जहां पर आपको कोर्ट में या फिर आईओ ने बुलाया है। नाउ, आपका एडवोकेट सबसे पहले आपकी तरफ से जाकर आईओ से मिलेगा, उससे एफआईआर की कॉपी की डिमांड करेगा, और जैसे उसको पता लग जाएगा कि जो वो चार्जेस है वो सीरियस नहीं है, वो आपको खुद ब खुद अपने साथ ले जाकर उस आईओ के सामने प्रेजेंट कर देगा। अब सबसे पहले आईओ क्या करेगा, आपके बयान वहां पर लेगा, आपका इंटेरोगेशन होगा। तो आपको वहां पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका एडवोकेट और आप सबसे पहले उस आईओ से बातचीत कर उनको रेलिवेंट एविडेंस दिखाएं कि सर देखिए, मेरी यहां पर कोई भी गलती नहीं है, मुझ पर सिर्फ और सिर्फ झूठे चार्जेस लगाए गए हैं ताकि बेवजह मुझे परेशान किया जा सके। ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता दूं, आईओ के पास, जो आपका केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके पास एक स्पेशल पावर है कि वो सीधा एफआईआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट वहां पर फाइल कर सकता है और चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं करेगा। फाइनल रिपोर्ट में अगर वो ये दिखा देता है कि जो जो चार्जेस है वहां पर सत्य नहीं पाए गए, सच में नहीं पाए गए, एक्चुअल सिचुएशन कोई और पाई गई, तो आपके ऊपर सीधी जो एफआईआर है वो वहां पर खत्म हो जाएगी। यानी कि कहीं कोर्ट में नहीं जाना, किसी एडवोकेट को कोर्ट में खड़ा नहीं करना, सीधा आईओ आपकी एफआईआर खत्म कर देगा। अब 90% चांसेस रहते हैं कि आईओ एफआईआर खत्म नहीं करता। कारण, क्योंकि वो जो भी रिपोर्ट कोर्ट में लगाएगा, सामने जो हमारे ऑनरेबल मजिस्ट्रेट होते हैं या सेशन जज होते हैं, वो उसके बारे में उनसे पूछ सकते हैं। अब आईओ क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा इस तरीके की सिचुएशन को फेस करने से घबराते हैं, तो वो अपने आप को यहां पर ना फंसाते हुए सीधा चार्जशीट कोर्ट में जमा कर देते हैं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आईओ सामने वाली पार्टी का फेवर कर रहा है या फिर आपकी आईओ नहीं सुनने वाली, तो आपको दूसरा स्टेप अपनाना है। वो क्या है, आपको 482 CRPC का सहारा लेना है, जो इनहेरेंट पावर ऑफ हाईकोर्ट के बारे में बात करते हैं। आपका एडवोकेट वहां पर एक पिटीशन डालेगा जहां पर सीधा जो आपके ऊपर एफआईआर हुई है, जो आपके ऊपर झूठे चार्जेस लगे हैं, उनको क्वैश किया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब
ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये रेलिवेंसी दिखानी पड़ेगी कि आपके ऊपर जो केस बनता है, जो प्राइमा फेसी केस बनता है, वो बिल्कुल झूठा है, आप वहां पर थे ही नहीं। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखा दे, जिससे कोर्ट ये सीधा सीधा कंसीडर कर ले कि भाई आपकी इन्वॉल्वमेंट वहां पर नहीं है, और सीधा उस एफआईआर को ही क्वैश कर दिया। मैंने यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी अपने मेन चैनल पर भी वीडियो अपलोड की थी, जहां पर लोगों को काफी ज्यादा जागरूकता आई। अब उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एफआईआर अगर आपकी हाई कोर्ट से क्वैश हो गई तो मुबारक हो, आपको अब कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने, आप सीधा वहां से बाहर हो चुके हैं। नाउ मान लेते हैं हाई कोर्ट से आपकी एफआईआर खत्म नहीं हुई, कारण क्योंकि क्या होता है, अगर एक बार आईओ चालान पेश कर दे, चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दे, तो उसके बाद हाई कोर्ट के दरवाजे खत्म हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। नाउ अब आपको अपने एडवोकेट के माध्यम से एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन ऑनरेबल मजिस्ट्रेट या सेशन जज के सामने लगानी है, जिसके सामने आपका केस ट्रायल होने वाला है। अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाकर आपके एडवोकेट साहब वहां पर बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपके ऊपर जो चार्जेस है वो प्राइमा फेसी केस वहां पर बनता ही नहीं है। अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन में क्या होता है दोस्तों, वहां पर आप एविडेंस नहीं दे सकते। प्राइमा फेसी केस के ऊपर कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट जो तैयार होकर कोर्ट में पेश की गई है, उसी के ऊपर ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन काम करती है। तो तीसरा स्टेप यही है कि आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाकर अपने आप को सीधा वहां से बाहर कर सकते हैं। अब ये तीन माध्यम मैंने आपको बताए, आईओ के हेल्प लेना, 482 सीआरपीसी ऑनरेबल हाई कोर्ट की हेल्प लेना, या डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाकर अपने आप को सीधा बाहर करा देना। इन तीनों माध्यम से आप एक झूठी एफआईआर वाली कंडीशन में अपने आप को सीधा बाहर कर सकते हैं, जहां पर आपको ट्रायल पार्टिसिपेशन नहीं करना होगा, मतलब आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उनकी ट्रायल के अंदर नहीं प्रेजेंट होना पड़ेगा। नाउ कई बार यह भी देखने को मिलता है कि आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप अपना केस खत्म करा सके, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब मजबूरन वश आपको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। अब यहां पर एक अच्छे से एडवोकेट की आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या करेगा, जैसे कि क्रॉस एग्जामिनेशन की केस आ गई, स्टेटमेंट रिकॉर्ड वाला केस आ गया, वहां पर एक अच्छे अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपने अनुभव और रुतबे के तहत सामने वाली पार्टी से सच उगलवाने की पूरी कोशिश करेगा, और जैसे उसको एक दो तीन चार पॉइंट जितने भी मिलते हैं उसके हिसाब से आपको नॉट गिल्टी साबित कर देगा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, देखिए जो व्यक्ति आपके ऊपर एफआईआर कर रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आएगा कि उन चार्जेस को रेलिवेंट एविडेंस के साथ साबित करे, और अगर आप अपनी जगह सच्चे हैं और उसने झूठा क्लेम किया है तो वो कभी उसे साबित ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो घटना ही घटित नहीं हुई, तो कैसे उसको वो साबित कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ट्रायल के बावजूद भी आप अपने आप को वहां पर एक्विटेड करा सकते हैं, नॉट गिल्टी साबित करा सकते हैं। नाउ एक बार अगर आप नॉट गिल्टी हो जाते हैं, या फिर आईओ आपको बाहर कर देता है, या फिर 482 सीआरपीसी के तहत आप हाईकोर्ट से क्वैश करा लेते हैं एफआईआर, अब आपको क्या करना है, क्या आपको उसे ऐसे ही छोड़ देना है जिसने आपके ऊपर झूठी एफआईआर की? जी नहीं दोस्तों, अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, कल को वो फिर से आपके ऊपर या किसी थर्ड पर्सन के ऊपर एफआईआर करा सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ रेलिवेंट प्रोविजन का रेफरेंस लेना है, जैसे कि 211 आईपीसी, 192 आईपीसी, इसी तरीके से 499 आईपीसी जो डिफॉर्मेशन मानहानि की बात करता है, उनका रेफरेंस लेते हुए उल्टा उसके ऊपर अब केस फाइल करना है। अब आपकी बारी है कि जो जो खर्चा आपके ऊपर हुआ है वो मानहानि के तहत उसके अंदर आप क्लेम करें, जो जो चार्जेस आपके ऊपर लगाए थे, फॉल्स स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दी थी उसके तहत उसके ऊपर चार्जेस फाइल करें। अब वो व्यक्ति यहां पर आकर उल्टा फंस चुका है, अब वो खुद आकर आपसे माफी मांगेगा और आपसे अपना केस वापिस लेने की मांग करेगा। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि यहां पर क्या आप उसे अब सजा दिलाएंगे या उसको एक मौका और देंगे। दोस्तों धन्यवाद, दोस्तों उम्मीद करता हूं जागो जनता जागो का एपिसोड नंबर 1, जहां पर हमने फॉल्स एफआईआर के बारे में आपको जानकारी दी, आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगा। अगर आपको हमारा ये आज का सेशन अच्छा लगा तो छोटा सा अनुरोध, वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अपकमिंग सेशन किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप इसी प्रकार की अपकमिंग वीडियोस में मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, जहां पर मैं आने वाले समय में लाइव भी आपके साथ जुड़ूंगा, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।